विगत 4.5 वर्ष आपने तेलंगाना के अंदर टीआरएस की सरकार यहां पर देखी है। केसीआर के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा यहां की जनता को धोखा दिया गया। कांग्रेस और टीडीपी से पहले यहां की जनता का शोषण कर चुकी है और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं। इस देश के अंदर आईएसआई की गतिविधियों से निपटने, इस देश के अंदर नक्सली गतिविधियों पर सख्ती के साथ निपटने, भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और प्रत्येक नौजवान के स्वावलंबन का कार्य केवल और केवल बीजेपी कर सकती है और इसलिए बीजेपी का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके पास यहां पर आया हूं। तेलंगाना विधानसभा का जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और इसीलिए मैं अंतिम दिन भी एक बार पुनः तेलंगाना की जनता से अपील करने के लिए आया हूं। आजाद भारत ने निजामशाही से मुक्ति पाई थी, लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस हो, टीडीपी हो, टीआरएस हो, ये सभी के सभी आज भी निजामशाही की गुलामी तले दबे हुए हैं, एक वंश एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, एक परिवार के अलावा इनको कोई दूसरी बात दिखाई नहीं देती है और यही कारण है कि कांग्रेस इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, लेकिन कांग्रेस ने विकास की कोई योजना देश के अंदर देने में कभी भी कोई किसी भी प्रकार की योजना देश के अंदर ऐसी नहीं दे पाई जो व्यापक जनहित में रही हो। टीडीपी लंबे समय तक शासन की, लेकिन विकास की कोई ऐसी योजना जो इस देश के इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए हो नहीं दे पाई। टीआरएस घोषणाएं बड़ी बड़ी करती रही लेकिन कोई बड़ी योजना नहीं दे पाई। इस देश के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा होगा।